हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? ओके, सो टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी। इट्स अ स्टोरी टाइम। सो रेडी? यस। ओके, तो आई विल टेल यू अ स्टोरी। द गूस दैट लेड गोल्डन एग। ओके, तो नाम से ही पता चल गया ना कि एक गूस था और वो गोल्डन एग दे रहा था, पर उसके बाद क्या? देन आई विल एक्सप्लेन यू अ स्टोरी। ओके, सो रेडी ना? ओके, अ मैन एंड हिज वाइफ ऑन अ वेरी स्पेशल गूस। ये मैन एंड हिज वाइफ, दोनों के पास एक गूस था स्पेशल। ये उनका विलेज है जहाँ पे वो रह रहे हैं। This is their house, okay, and this is their farm, and this is the goose. उनके पास एक special goose था। क्या करता था वो? Every day the goose would lay a golden egg. Goose every day का क्या देता था? एक golden egg. क्या देता था goose? One golden egg, okay? तो नॉर्मली जो एग होते हैं वो कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ काम नहीं आते, बट दिस गोल्डन एग वो उसको बेचते थे और फिर उससे उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे। गोल्ड का था इसीलिए। ओके, तो नॉर्मली गूस गोल्डन एग नहीं देते हैं, बट दिस इज द स्पेशल गूस एंड इट वुड ले अ गोल्डन एग। ओके, देन a man and his wife on a very special goose. Every day the goose would lay a golden egg, which made the couple very rich. The golden egg देता था ये goose, तो ये man क्या करता था? Village में से city में जाता था और वहाँ पे egg को goldsmith के पास बेच देता था, तो उससे बहुत सारे पैसे मिलते थे। ओके, डन? समझ में आया ना यहाँ तक? वेरी गुड। जस्ट थिंग सेड द मैन्स वाइफ। मैन की जो वाइफ थी उसने बोला, इफ वी कुड हैव ऑल द गोल्डन एग्स दैट आर इनसाइड द गूस। गूस के अंदर जो सारे गोल्डन एग्स है वो हमें एक साथ मिल जाए तो, ऐसा मैन की वाइफ मतलब ये इसने बोला। ओके, वी कुड बी रिचर मस्ट फास्टर। उसने क्या बोला? हम जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट रिच बन जाएंगे, क्योंकि वो गोल्डन एग रोज एक देता था घूस। तो मैन की वाइफ ने बोला कि अगर हम इसको मार दे और सारे गोल्डन एग निकाल दे तो फिर हम जल्दी जल्दी रिच बन जाएंगे। ओके, समझ में आया है यहाँ तक? देन ना, ओके, यू आर राइट, सेड द हस्बैंड। हस्बैंड ने बोला यू आर राइट। तो हस्बैंड ने क्या कहा? यू आर राइट, वी वुडंट हैव टू वेट फॉर द गूस टू ले हर एग एवरी डे। उसने बोला हम वेट नहीं कर सकते कि रोज गूस वन गोल्डन एग दे, फिर हम उसको लेके गोल्डस्मिथ के पास जाए, उसको बेचे, उस उतनी वेट नहीं कर सकते। कैसा था ये? नहीं, वेरी ग्रीडी, यस ना? ओके, सो द कपल, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन्होंने क्या किया? किल द गूस एंड कट हर ओपन। उसको कट करके ओपन करके देखा तो क्या होगा? आपको पता है? बताओ मुझे, एग्स निकलेंगे गोल्डन? क्या हुआ? चलो मैं बताती हूँ। ओनली टू फाइंड दैट सी वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर गूस। उन्होंने क्या देखा? ये गूस भी और गूस की तरह सेम था, सबके जैसा। ओके, शी हैड नो गोल्डन एग्स।
उसके पास गोल्डन एग्स पेट में नहीं थे। ओके, तो ये भी सबके जैसे नॉर्मल ही था। ओके ओके, तो क्या हुआ, मैन और उसके वाइफ बहुत ग्रीडी थे, उन्होंने घूस को कट कर दिया और फिर देखा तो कुछ भी नहीं था। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो तो गॉड गिफ्ट थी, तो घूस उसको रोज एक गोल्डन एग देता था। ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसको कट कर देंगे और एक साथ मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल राइट इनसाइड ऑफ हर एट ऑल। एंड दे हैड नो मोर गोल्डन एग्स, अभी उनके पास गोल्डन एग्स नहीं बचे, मिले ही नहीं कभी उनको, क्योंकि पहले वो छोटे से हाउस में रहते थे, फिर रिच बन गए तो बड़ा हाउस लिया, बड़ा फार्म किया, पर वो बिगूस को मार दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू मच ग्रीडी रिजल्ट इज नथिंग, बहुत ज्यादा अगर आपको चाहिए ना तो उसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। आपके पास कुछ छोटी सी चीज भी हो ना, उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए हमें। अगर आपको मम्मा एक चॉकलेट देना तो एक चॉकलेट खा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं मुझे ज्यादा चाहिए ऐसा नहीं करना है। ओके जय, वेरी गुड। तो मजा आया किड्स आपको ये स्टोरी सुनने में, है ना।